हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद वी विल लुक एट बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो आज अगर आप देखेंगे, आज मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। निफ्टी 2% डाउन हुआ, बैंक निफ्टी भी 2% डाउन है, स्मॉल कैप 1.96% डाउन है, राइट? सो देयर इज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग। आज मार्केट में एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रेंड, राइट? सो अगर आप देखेंगे, ये इलेक्शन के रिजल्ट आया, वो महीना है, उसके बाद हम कंटिन्यूस हम ट्रेंड देखें। ये महीना कहीं ना कहीं अगर हम स्टार्टिंग से देखें, आज 3 दिन हो गए, तो इट्स नेगेटिव, राइट? 2%। बट क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नो, द ट्रेंड इज अप ओनली, उसमें कोई चेंज नहीं है मंथली टाइम फ्रेम में, राइट? नाउ वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, तो हम 3 हफ्ते ऊपर गए थे कंसोलिडेशन के बाद। पहले हम 4 हफ्ते ऊपर गए, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर 3 हफ्ता, देन वी आर नेगेटिव टुडे, राइट? सो क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नो, ट्रेंड हैज नॉट चेंज, राइट? सो अगर ये ट्रेंड चेंज होना है, तो पहले एक बार नीचे जाएगा, राइट? फिर मे बी एक लो बनाएगा, फिर उसके बाद मे बी एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। एज ऑफ नाउ द ट्रेंड इज डाउन। नो, वीकली में ट्रेंड यहाँ जब इसके नीचे जाके करेगा, तब जाके होगा। अब आते हैं डेली में। डेली में क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नो, डेली में जब तक ये जो लेवल है उसके नीचे जाके फिर पुल बैक करके फिर ब्रेक डाउन नहीं करे, तब तक वो भी ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है। नाउ काफी लोग 500 पॉइंट, बट वॉट इज 500 पॉइंट, राइट? अगर ऊपर ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें, तो कितना डाउन है? ऑलमोस्ट 4%, राइट? सो 4% में पीपल आर सो मच बेरिश, एंड लोग ट्रेंड चेंज कर दिए एंड हल्ला मचा दिए, राइट? क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा? तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी 5% डाउन हुआ था, देन वी वेंट ऑल टाइम, राइट? यहाँ पे भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 9% डाउन, देन वी वेंट ऑफ ऑल टाइम, राइट? मल्टीपल टाइम ये हुआ, इट इज नॉट ए न्यू, राइट? ये 4.5% है, यहाँ पे भी 4.5% होगा, मे बी यहाँ पे भी होना चाहिए। कितना परसेंट है? लेट्स सी, 4.5%, राइट? सो द पॉइंट इज हाउ वी कैन नॉट बिलीव कि ये अलग है, ऐसा हो सकता है, राइट? सो द ट्रेंड इज अप ओनली इन ऑल टाइम फ्रेम, जस्ट माइनर टाइम फ्रेम में थोड़ा वीकनेस है, तो लेट्स डिस्कस दैट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिनेरियोस, राइट? सो फॉर टुमारो, सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है, एक ये एरिया है 25,120, 25,085, देन 24,544, तो 450, ये एक बहुत एग्रेसिव एरिया है, अगर मान लो मार्केट मौका मिला तो। उसके अलावा ये एक एरिया है जहाँ पे वी कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग पोजिशन, राइट? सो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, या सो कल अगर मान लो गैप डाउन में ये एरिया में कहीं पे मिले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन। दूसरा एरिया है, मार्केट कल यहाँ से ऊपर जाए 25,390, 430 कह रहा हूँ, फिर नीचे जाने की कोशिश करे, तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट, राइट? और जैसे ही 430, 440 के ऊपर जाके सस्टेन हो जाए बजा, राइट, ऐसे तो फिर मार्केट विल गो टूवर्ड्स 25,660 टू 690 का जोन है, राइट? ये एरिया में फिर चला जाएगा, तो इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है और फिर ब्रेकआउट आता है, तो आप इंट्राडे में लॉन्ग देख सकते हैं। बट ये एरिया में सस्टेन करके ब्रेकडाउन आता है, तो फिर लुक फॉर ए शॉर्ट, राइट? सो ध्यान रखिए 25,390 टू 42,430 का जोन है, उसके ऊपर है 25,648 टू 680, एंड देन उसके बाद है 25,867 टू 900। ये सब एरिया में देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, तो ये सब एरियाज है जहां यू कैन लुक फॉर लो रिस्क शॉर्ट फॉर इंट्राडे, नॉट ओवरनाइट, राइट? सो जिस तरह से अगर मान लो बाजार यहाँ पे जैसे एक हुआ, फिर क्या, फिर हुआ, तो अगर यहाँ पे पुल बैक करता है, तो यहाँ पे भी एक बार शॉर्ट वाले दिख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे भी एक शॉर्ट वाले दिख सकते हैं, और ये भी एक शॉर्ट का एरिया है, राइट? और जैसे इसके ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये बायर्स का लो रिस्क हो जाएगा, फिर जैसे इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये बायर्स का लो रिस्क हो जाएगा, जैसे इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बायर्स का लो रिस्क हो जाएगा, राइट? तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्रोच द मार्केट। सो
मार्केट कैन फॉल लाइक दिस, फिर पुल बैक आ सकता है, फिर फॉल हो सकता है, फिर ऊपर जाने की और कोशिश कर सकता है, राइट? एनीथिंग कैन हैपन. सो लेट्स ट्राई टू बी विद द मार्केट एंड माइन आउट जो ट्रेंड वीक हुआ है. जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं, मान लो ये इसके ऊपर, तब तक माइनो ट्रेंड में पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, राइट? बट डेली, वीकली, मंथली ऑल ट्रेंड्स आर अप. और आप देख सकते हो प्रीवियस ब्रेकआउट जो हुआ था, ये यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये एरिया और ये एरिया कहीं ना कहीं वो जोन के बीच में निपट आया है ये, राइट? सो भी एक डिमांड एरिया की तरह तरह काम कर सकता है. तो लेट्स सी टुमारो हाउ मार्केट रिएक्ट्स एंड उसके अकॉर्डिंगली वी कैन ट्राई टू एडजस्ट आवर सेल्फ. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, ये इलेक्शन का रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और वही कहीं ना कहीं वही रेंज में आ गया अगेन बैंक निफ्टी, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द वीकली ट्रेंड. बट बैंक निफ्टी का ट्रेंड कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ है. इट्स अप ट्रेंड ऑन कॉन्सोलेशन. वीकली में भी अगर आप देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉन्सोलेशन है. ये ट्रेंड हुआ, फिर पुल बैक आया. क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नहीं हुआ है. अगर डेली में भी देखेंगे तो क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, राइट? माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यस, माइनर ट्रेंड फ्रेम थोड़ा वीक हुआ है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. जब ये गैप डाउन हुआ तो यहाँ से माइनर ट्रेंड वीक हुआ है. नाउ लेट्स लुक एट द व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, राइट? सो या अगर आपको याद होगा तो ये हमारा एक एग्रेसिव बाय एरिया है. एनीबडी रिमेम्बर, हम लास्ट फ्यू वीक से ये ट्रेड बोल रहे थे, ये भी एक एग्रेसिव एरिया है. 51,650 टू 51,740 एग्जैक्टली उसके आसपास ही लो बनाया आज, और उसके बाद वापस पुल बैक करने की कोशिश किया. सो फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी ये एरिया में जाने की सबसे पहले कोशिश कर सकता है 52,100 से 52,130, 140. अगर इसके बाद नीचे जाने की कोशिश कर तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट ये एरिया में, एंड फिर यहाँ को टारगेट कर सकते हैं. बट अगर मान लो यहाँ पे नहीं रुका और उसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया 130, 140 के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट एरिया है 52,650 से 720 का एक जोन है, राइट? देन उसके बाद है 53,060 टू 53,130, देन 53,430 टू 53,500. ये सब मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे यू कैन लुक फॉर लो रिस्क, राइट? तो यहाँ पे अगर आएगा तो फिर नीचे जाने की भी कोशिश कर सकता है. तो ये एरिया को क्रॉस कर दिया जैसे बैंक निफ्टी ने, और कॉन्सोलेशन किया, फिर ब्रेकआउट आता है तो फिर सीधा 52,650 टू 52,720 का जोन ओपन हो जाएगा, राइट? सो फॉर टुमारो अपने को ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से अब नेक्स्ट एरिया है ऊपर में, राइट? सो ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हो 400-600 पॉइंट कट रहे हैं. सो यहाँ पे एक बाय ट्रिगर हुआ एग्रेसिव एरिया में. अब देखते हैं कल यहाँ तक जाता है, कैसे सस्टेन होता है, राइट? सो जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा बैंक निफ्टी, तो नीचे में 51,400 है, देन उसके बाद सीधा नीचे में लेवल 49,660 और सब ओपन होता है, राइट? तो आइडियली ये एरिया में यहाँ पे अगर बायर्स को आना है तो आ सकते हैं. लेट्स सी हाउ बायर्स आर रिएक्टिंग, राइट? सो 51,100 शुड बी अ सपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज वहां पे इलेक्शन का जो एग्जिट पोल था उसके अराउंड ही, तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पे भी बाइंग आया, यहाँ पे भी बाइंग आया, ये गैप डाउन हुआ, राइट? यहाँ पे बाइंग आ गया, फिर यहाँ पे बाइंग था, फिर यहाँ पे बाइंग आ गया. तो ये एरिया में बायर्स रिस्पेक्ट करने चाहिए. तो लेट्स सी हाउ मार्केट ग्रोज, राइट? सो अगर आप देखेंगे लास्ट 3 डेज 4 डेज से कंटिन्यूस डाउन है, तो क्या पुल बैक आ सकता है? दिस चांसेस इज देयर, राइट? सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, फाइंड अ लो रिस्क ट्रेड एंड एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स. स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है. वीकली भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है. ये कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे और वही कॉन्सोलेशन हो रहा है. लेट्स सी सूनर और लेटर क्या ये ब्रेक डाउन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जोन को ब्रेक डाउन कर देता है बाजार, या फिर एक नेक्स्ट फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स की रैली शुरू होती है, राइट? अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी इट इज आउट परफॉर्मिंग, राइट, फ्रॉम दिस एरिया. सो आप देखेंगे जो प्रीवियस यहाँ पे जो लो हुआ, ये लो हुआ, ये लो हुआ, राइट? तो उसके आसपास ही कंटिन्यूस लो बन रहे हैं.
एंड अगर 9 सितंबर का देखे आप तो 19 सितंबर का देखे, राइट? सो ये 19 सितंबर है, उसके आसपास ही निफ्टी आ गया, एंड स्टील स्मॉल कैप इज अराउंड दैट, राइट? सो व्हाट आर द लेवल्स? सो अगर आपको याद होगा तो हमने एक डिस्कस किया था 90,000, 200, 180, फिर 80,000, ये रिसेंट जो लो 80,800 to 900, एंड जैसे ही ये 18,000 तक भी नीचे में स्मॉल कैप जा सकता है, एंड नीचे में 17,500, जैसे ही 17,500 को ब्रेक डाउन हम देख सकते हैं, और ब्रेक डाउन आएगा, एग्जाम्पल यू नो यहाँ पे ब्रेक डाउन इसके नीचे जाके हो जाए, फिर पुल बैक करे और फिर ब्रेक डाउन, तो वो ट्रेंड चेंज का सिग्नल देगा स्मॉल कैप. या सो थैंक यू सो मच, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन टू द मार्केट, एंड आप क्या सोच रहे हैं आप जरूर शेयर कीजिए मेरे को, तो दैट विल बी अ गुड थिंग, राइट? थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलते हैं.